बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएफ किचन कलेक्शन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो अपनी इस दुआ के साथ हम आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो ये कॉर्न सैलड जो है, ज़रूर आप लोग इसको बनाएं। जो लोग अपने वेट को कम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसमें सारी चीज़ें हेल्दी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तो आज हम बनाएंगे कॉर्न सैलड। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, यहाँ पे खीरा है, सब्ज़ धनिया है, थोड़ा सा टमाटर है, दो अदर मेरे पास लीमू है। लीमू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको खट्टा पसंद है। और शिमला मिर्च है यहाँ पे छोटे साइज़ की, और प्याज है एक हमारे पास मीडियम साइज़ का, और तीन अदर सब्ज़ मिर्चें हैं, और थोड़ा सा बंद गोभी का थोड़ा सा हिस्सा जो है मैंने उतार के यहाँ पर रख लिया है। तो जी, इसके साथ जो है हमारे पास जो मेन चीज़ है कॉर्न है, ये बॉयल कॉर्न है यहाँ पे मेरे पास, तो इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों की अब हम कटिंग करेंगे। तो जिन चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है उनको अभी हम साइड पे कर लेते हैं। तो इनको हम साइड पे कर लेंगे, इनको हम बाद में काटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास खीरा है, खीरे को हम कट करेंगे। ये वाला हिस्सा पहले जो है हम दोनों साइड से उतार देंगे इस तरह से, और आप चाहें तो इसको गुलाई में भी काट सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से कट लगा के भी इसको आप काट सकते हैं, चाहें तो इसका छिलका रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको हम कटिंग करेंगे, पहले हमने इस तरह कट लगा लिया, अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको गुलाई में या किसी भी तरह आप इसको काट सकते हैं, तो चाहें तो इसका छिलका रिमूव कर लें। मैं तो इसको ऐसे ही यहाँ पर काटने वाली हूँ, तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो दूसरा खीरा भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। जब हम इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे तो खाने में भी ये इजी रहेगा। तो इस तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। तो सारे खीरे को हमने कट कर लिया, अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं। तो अब हम प्याज लेंगे, प्याज को कट करेंगे, प्याज को भी हम क्यूब्स में कट करेंगे। तो इसको क्यूब्स में कट करने के लिए हम इस तरह से पहले इसको कट कर लेंगे, और इस तरह से फिर हम इसको थोड़ा हम साइड पे कर देते हैं। तो जी, ये जो गंभी हमने काटा है इसको थोड़ा सा आप हाथ से इस तरह से अलग अलग कर लें इसको। तो इसको भी हम साइड पर कर लेते हैं। तो बाकी की चीज़ों की हम कटिंग कर लेते हैं। और उसको साफ कर लें। के बाद जो है हम शिमला मिर्च की कटिंग करते हैं। तो अब हम शिमला मिर्च की कटिंग करेंगे, इसको हम इस तरह से, और फिर इसका वाला हिस्सा उतार देंगे। तो इसका बीज वाला हिस्सा जो है उसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके बीज वाला हिस्सा जो है उसको मुकम्मल हम बाहर निकाल देंगे इस तरह से। तो इसको जो है हम इस तरह का, ये वाइट हिस्सा है इसको मैं निकाल दूंगी। शिमला मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो है मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी क्यूब्स में। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें से भी हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो जी, ये देखिए इस तरह से, जो कि पीस आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है आप उसको
दोबारा से थोड़ा कट कर लें। तो यहाँ पे शिमला मिर्च भी हमने कट कर ली है जितनी हमें ज़रूरत थी, इसको अब हम साइड पे कर लेते हैं। टमाटर लेंगे अब हम, तो टमाटर को भी हम इस तरह से कट करेंगे कि इसका बीज वाला जो हिस्सा है वो कोशिश करें कि वो उसको हम जो है वो रिमूव कर सकें। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखें जी, इसका बीज वाला हिस्सा जो हमने निकाल दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इसको भी अभी हम साइड पे कर देते हैं। तो एक टमाटर और है मेरे पास, हम दोनों को इसी तरह से कट कर लेंगे। बस इसका बीज वाला हिस्सा जो है वो हमें नहीं चाहिए। वैसे आप चाहें तो घर में बना रहे हैं तो आप बीज वाला हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अगर ये पीसेस थोड़े बड़े हैं तो इनको इस तरह से आप दरमियान में इनके इसके कट लगा के तो इस तरह से इसको कटिंग कर लें। तो ये टमाटर जो है इसको हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। किसी भी तरह से आप इसको जिस तरह आपको इजी हो आप उसी तरह से इसकी कटिंग जो है वो पकड़ के तो कर सकते हैं। तो टमाटर भी हमने यहाँ पे कट कर लिया है और ये जो हमने अभी क्यूब्स में कट किया है टमाटर, इसको हम इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए टमाटर भी कट हो गए हैं। तो गोभी का मैंने थोड़ा सा पीस लिया है, इसको भी आप अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो वो बहुत ईजी है, इस सलाद को ज़रूर आप बनाएं। आजकल कॉर्न का सीज़न है तो हर चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। थोड़े बड़े क्यूट लग रहे हैं तो इसको अब हम इस तरह से कट कर देते हैं। आप चाहें तो थोड़ी और भी ये बंद गोभी शामिल कर सकते हैं। बंद गोभी को भी हमने कट कर लिया, मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और शामिल कर ली है। तो अब हम इसको भी साइड पे कर लेते हैं। तो बाकी अब हमारे पास सिर्फ रह गई हैं सब्ज़ मिर्चें, उनकी हम कटिंग करेंगे। तो तीन अदद मैंने यहाँ पे मिर्चें ली हैं, इनको हम बारीक कट कर लेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो आप इसको थोड़ा कम कर लें। तो इन तीनों की भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अगर हम इसमें दो कट्स लगाते हैं तो ये ज़्यादा बारीक कट हो जाएंगी। तो अभी हम इसको साइड पे करते हैं मिर्चों को, और धनिया जो है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो धनिया जो है इस तरह से आप इसके पत्ते भी उतार सकते हैं। तो अगर डंडल जो है वो ज़्यादा सख्त है तो आप उसको अलग कर दें। तो इसकी भी हम थोड़ी कटिंग कर लेते हैं। तो इसका सख्त हिस्सा जो है वो मैं उतार दूँगी धनिए का, और सिर्फ नरम नरम इसकी जो टहनी है वही मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। जो है मसाला बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस टाइम, तो बस थोड़ा सा ही इसे हम शामिल करेंगे। बाज़ लोगों को नहीं पसंद तो आप इसको वाइट भी कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे इसको भी। तो जी बस कटिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। लेमन है हमारे पास, इसको हम जब सारी चीज़ें शामिल कर लेंगे तो इसके बीज निकाल के जो है इसको हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कॉर्न शामिल करेंगे। आप इसको घर में भी बॉईल कर सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे। आजकल सीज़न है कॉर्न का तो ज़रूर इसको आप इस्तेमाल करें। कॉर्न शामिल करने के बाद इसमें हम खीरा शामिल करेंगे। बस अभी हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, प्याज भी हम सारी शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी ये। इसमें टमाटर शामिल करेंगे अब। टमाटर के बाद इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। शिमला मिर्च शामिल कर दी है हमने।
सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और धनिया जो है वो हम इन पे शामिल करेंगे इसमें। तो नींबू इसके ऊपर हम शामिल करेंगे 2 से 3 अदद, जितना भी आपको पसंद हो। काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और बस इसमें अब नमक जाएगा और नमक शामिल करेंगे इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो अब हम इनको मिक्स कर लेंगे सारी वेजिटेबल्स को, कॉर्न को। तो बहुत इजी सी ये रेसिपी है, जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत स्पेशल है और शुगर के पेशेंट जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कलरफुल है ये रेसिपी हमारी आज की। आप नमक इसका यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अगर आप काली मिर्च और इसमें शामिल करना चाहें तो थोड़ी और भी शामिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो जी बस यहाँ पे डन है हमारी आज की रेसिपी। और धनिया रह गया है, उसके चंद पत्ते जो हैं हम ऊपर गार्निश कर देंगे इसके। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी यहाँ पे रेडी है। मेरी आज की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा और आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत ही कम खर्च और आसान सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।